गोपी जन पल्लभ गिरिवर Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड श्री गुरु गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो
हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद क्रमांक एक अध्याय क्रमांक दो दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक क्रमांक सात। कृपया दोहराइए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवती श्री भगवान के प्रति, भक्ति योग भक्ति संबंध प्रयोजित व्यवहत जनयति उत्पन्न करता है आशु तुरंत ही। वैराग्यम वैराग्य या विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान च तथा यत जो अहेतुकम अकारण। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो मनुष्य भौतिक अभावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, ज्ञान, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव जिज्ञासुओं के लिए भी सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला है, जिसमें क्षुद्र, वैश्य, स्त्रिया तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, ज्ञान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित उन उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारण हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप से नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति को सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो अल्पज्ञ होता है, न ही निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिनमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो भगवान के अनन्य साधारण भक्ति में रत भक्त हैं उन सबके मध्य आकर श्रीमद् भागवतम कर चर्चा करने का कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का विषय जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, श्रील प्रभुपाद इस पर सुंदर तात्पर्य प्रदान कर रहे हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो मेरे स्वयं के साक्षात्कार के परे है, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम में सुर गोस्वामी कहते हैं कि हमारी वाणी की जिह्वा की तपस्या यही है कि हम भगवान के विषय में गुणगान करें और वह गुणगान पूर्ववर्ती आचार्य साधु गुरु और शास्त्र के अनुरूप हो। तो आप सभी के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि अभी कुछ समय पश्चात अगले कुछ समय तक हम जो भी चर्चा करेंगे वह गुरु साधु और पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशों के अनुसार हो। कोरोना अभी प्रभु जी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, माता जी अभी भी एक साथ बैठे हुए हैं। स्थिति अलग अलग प्रकार की हो जाती है। जैसे पहले एक पंक्ति अक्सर सुनाई देती थी श्मशान वैराग्य, सुना है? जब हम किसी के अंत्य संस्कार में जाते हैं तो वहां जाने के बाद जब वो जिसका अंत्य संस्कार हो रहा है वह चिता पर है और जब वह चिता पर उसे अग्नि दिया जाता है उसका देह जलने लगता है तब बड़े वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अक्सर लोग निकलते समय वहां से बाहर निकलते समय यही चर्चा करते हैं, जीवन यही है, बस यही जीवन की सत्यता है। कब तक? थोड़ा सा बाहर आने, एक बार बाहर आ गया फिर हम और हमारा संसार। तो जैसे स्मशान वैराग्य होता था ना, वैसा कोरोना वैराग्य भी लोगों में बहुत बार देखा जाता है, है ना? कोरोना में बहुत सारा वैराग्य आ रहा है, बहुत सारी चीजें कोरोना ने सिखाई है। वास्तविक श्रील प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे भक्तिमय जीवन की, भक्ति सिद्धांतों की और उन भक्ति के सिद्धांतों के अपने जीवन में आचरण करने की कई महत्वपूर्ण बातें हमें समझा रहे हैं। वास्तविक यह श्लोक काफी बार इस पर चर्चा होती है, वर्णन होता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ हर बार कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम।
श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य के सिद्धांत। लेकिन कई बार इन दोनों सिद्धांतों को थोड़ा सा अलग तरह से हम हमारे मनोकल्पित भावना के माध्यम से या फिर हमारी जो चेतना है, हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारा जो परिसर है, उसके माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पर शास्त्रों में भी बड़े विस्तार से आचार्य ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने चर्चा की है। जैसे रूप गोस्वामी अपनी अनेक अनेक लेखनियों में, अपने अनेक अनेक ग्रंथों में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे अनेक ग्रंथ और यही ग्रंथ जो रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं वो हमारे भक्तिमय जीवन के आधार है ना। इसलिए जो इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन को श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, उनको और एक शब्द से जाना जाता है। क्या नाम से? रूपानुगम, रूप अनुगम। रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, रूप गोस्वामी जो वृंदावन के प्रमुख छह गोस्वामी हैं, उनमें से प्रमुख श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने विशेष रूप से इन षड गोस्वामियों को वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः जागृत करने के लिए और भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में हम सब भक्ति कर सके उन सिद्धांतों के आधार पर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरित किया था। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और समस्त षड गोस्वामियों ने बड़े ही विस्तार से भक्ति के तत्वों को, भक्ति के सिद्धांतों को और भक्ति के सिद्धांतों को अपने जीवन में उसका अंगीकार कर जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शक पर तत्व दे कर रखे हैं। रूप गोस्वामी का एक प्रमुख कार्य भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें आज के ही इस श्लोक के आधार पर रूप गोस्वामी कुछ समझाने हमें समझाते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुतः मुमुक्षुभिः परित्याग वैराग्यं फलं कथ्यते। रूप गोस्वामी यहां पर युक्त वैराग्य, वास्तविक भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए पूरक वैराग्य की व्याख्या करते हैं और साथ ही साथ फल्गु वैराग्य का भी वर्णन करते हैं। एक वैराग्य जो हमें भगवान की ओर अग्रसर करेगा और एक तरह का वैराग्य जो फल्गु वैराग्य, जिसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर मर्कट वैराग्य भी कहा करते थे। एक स्थिति है जो हमें कृष्ण की ओर लेकर जाएगी। जैसे अक्सर अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि रात में सोते समय अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आज पूरे दिन सुबह उठने से लेकर अभी रात में सोने तक, बच्चों के संस्कार के लिए भी बहुत सुंदर यह बात है, आज सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, हैव आई गॉन वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्ण और हैव आई गॉन वन स्टेप अवे फ्रॉम कृष्ण। मैं कृष्ण की ओर एक कदम चला हूं या फिर कृष्ण से विन्मुख होकर एक कदम चला हूं। तो वास्तविक रूप गोस्वामी यहां पर बड़ी ही गंभीरता से और बड़े ही गहराई से वैराग्य की व्याख्या कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं अनासक्तस्य विषयान् यथारहम् उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान्, विषय, अभी विषय के विषय क्या है यह भी बड़ा जटिल विषय है। वह एक सुंदर भजन आता है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध मेमाना कबे हाम हे रो श्री वृंदावना। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि कब मेरे मन से वह विषय विनिवर्तन्ते, विषय कब, विषय वासनाओं से कब मैं दूर चला जाऊंगा और मेरे हृदय में वृंदावन का वास होगा, मुझे कब वृंदावन के दर्शन होंगे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं अनासक्तस्य विषयान्, विषयों के प्रति अनासक्त होकर। हमारे जीवन में ये दो चीजें नित्य हैं, आसक्ति है और अनासक्ति है। किसी चीजों के प्रति हमें आसक्ति है और किसी चीजों के प्रति अनासक्ति है। तो जो विषय हमें भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं, उन विषय, उन वस्तुओं के प्रति अगर आकर्षण निर्माण होता है तो निश्चित रूप से हम भक्ति की ओर, भगवान की, भगवत प्राप्ति की ओर प्रगति करते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंध है, और जो भी वस्तु है संसार में उन सारी वस्तुओं का, मेरे जीवन में जो वस्तुएं हैं, मेरे जीवन में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का जो कार्य है उसे युक्त वैराग्य है, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। और फिर कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना। लेकिन हरि संबंधी जो वस्तु है, अभी जो आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने वाले लोगों में एक वर्ग होता है मोक्षकामी, जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, इस संसार से वो दूर जाना चाहते हैं, वैराग्य बनना चाहते हैं, वैराग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। और ऐसे वैराग्य भी, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे वैराग्य मुमुक्षु भी परित्याग, या ऐसे मोक्ष की कामना करने वाले वैरागी भी कभी कभी कृष्ण के संबंध में जो वस्तुएं हैं ना उनका भी परित्याग कर देते हैं। इतने बड़े वैरागी होते हैं कि कभी कभी कृष्ण का भी त्याग कर देते हैं, कृष्ण के संबंध में जो वस्तु है उन वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं। जब हमने यह श्लोक सुना, कई आचार्यों ने इस पर बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणी की है। इसमें जो दूसरा हिस्सा है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुतः, प्रॉब्लम क्या होता है हमारे भक्ति के जीवन में कि हम हरि संबंधी वस्तुना इसको पहचानने में बहुत बार गलती कर देते हैं। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये हरि संबंधी वस्तु है। वास्तविक श्रीमद् भागवतम हरि ही है, श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक स्वरूप है। यह करताल है, यह हरि संबंधी वस्तु है। यह माला है, यह हरि संबंधी वस्तु है। यह हॉल है, हरि संबंधी वस्तु है। मेरा गाड़ी है, वो हरि संबंधी वस्तु नहीं है। या फिर मैं यहां आकर कीर्तन में नृत्य कर रहा हूं, वो हरि संबंधी वस्तु है। लेकिन अगर कोई भक्त अपने कार्यकलाप में बहुत व्यग्र होकर अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाए हुए हैं, तो वो जो कार्य है वो हरि संबंधी वस्तु नहीं है। यह अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु नहा, हरि संबंधी वस्तु को प्रापंचिक, इस भौतिक जगत की मटेरियल अनावश्यक है इस तरह से समझना, केवल वस्तु नहीं कार्य भी, वह रूप गोस्वामी कहते हैं मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग्य कथ्यते। यह फल्गु वैराग्य, अभी अगर थोड़ा सा विस्तारित होकर, विथ लिटिल ब्रॉड माइंड अगर हम सोचने का प्रयास करें ना, तो कौन सी वस्तु है जो हरि संबंधी नहीं है?
हरि संबंधी वस्तु ना, कोई भी कार्य ऐसा कार्य कि जो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति के अनुसार भले ना हो लेकिन प्राकृतिक स्थिति के आधार पर है, हमारे कंडीशनल स्थिति के आधार पर वो कार्य है, और वो कार्य करने के पश्चात भी अगर हम या फिर कोई भी भक्त या फिर कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में भगवान को केंद्र में रखने का प्रयास करता है तो वह कार्य भले वो हमारे भौतिक दृष्टि से एक मटेरियलिस्टिक एक भौतिकतावादी कार्य भले ही बाहरी रूप से प्रतीत हो, वह हरि संबंधी वस्तु है। शास्त्र में इसके बहुत सुंदर उदाहरण आते हैं। वास्तविक रूप में युक्त वैराग्य, वास्तविक वैराग्य और फल्गु वैराग्य, इसे बाहरी दृष्टिकोण से समझ पाना बहुत ही कठिन है। आज हम कुछ ऐसे 7 लोगों के विषय में चर्चा करेंगे जिनका वर्णन फिर से श्री रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक में करते हैं कि जिनके जिनकी योग्यता, जिनके पोजीशंस, उनके पास क्या है या फिर वह बोलने में कितने सक्षम है या फिर कितना धन उनके पास है या फिर कितनी तीव्रता से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, यह बाहरी रूप से समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान भक्ति किस प्रकार से स्वीकार करते हैं यह भी, जिस प्रकार से भगवान स्वराट है उसी प्रकार से भगवान भक्ति किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं यह भी पूर्णतः भगवान को उसकी स्वतंत्रता है। और भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। रूप गोस्वामी अपने लेखनी में एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजायां किमु नाम रूप अधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं च न गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति प्रिय है, भक्त्या तुष्यति न च गुणैर्, किसी बाहरी भक्ति में गुणों का वर्णन नहीं हो रहा है, किसी बाहरी गुणों का, किसी बाहरी वस्तु का, किसी बाहरी प्रलोभन का या किसी बाहरी पोजीशन का भगवान दृष्टिक्षेप नहीं करते हैं। भक्ति प्रिय माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। जब सारे पांडव वन पर्व में अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे थे तब एक बार मार्कंडेय ऋषि से उनका संभाषण होता है। युधिष्ठिर महाराज और मार्कंडेय मुनि का जब संभाषण होता है तो मार्कंडेय मुनि उन्हें बहुत सुंदर कथा बताते हैं। वह बताते हैं कि पूर्व समय में एक ब्राह्मण था जिसने संन्यास व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया था। वो वन में रहता था और वन में रहकर सन्यासी व्रत का पालन करता था, बड़ा ही निग्रह करता था, इंद्रिय निग्रह करता था, आगे सारे बड़ी कठोरता से ध्यान करता था, और इस प्रकार से करते करते तपोबल की प्राप्ति होने लगी। और जब वो तपोबल का प्रभाव देखने लगा तब वह अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगा। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो ऊपर पंछी है जिसपे कौवा था, क्रेन थे, पंछियों का कुछ अक्सर होता है ऐसे है जो प्रसाद होता है वो गिर जाता है, उनकी पॉटी गिर जाती है, जब वो उस तरह से हुआ तब उसने बड़े ही क्रोध से, मैं इतना बड़ा सन्यासी वैराग्य का पालन कर रहा हूं और ऐसे होते मुझे
मेरी साधना में व्यत्यय डालने का प्रयास करने वाला क्रोध से देखा और वो पंछी मर गया। और जब वो मर गया वो टेस्टिमनी मिल गया कि मेरा जो साधना है, मेरा जो वैराग्य बहुत पावरफुल है। तो इस प्रकार से जब और अहंकार निर्माण हुआ और चलने लगा और फिर वहां से निकल गए और अपने नियमित कर्म के अनुसार जाकर माधुकरी करने लगा, भिक्षा मांगने लगे। तो एक घर के पास गए तो वहां उस घर में एक स्त्री थी जो अपने परिवार के सदस्यों की सेवा कर रही थी। और जब वो इस प्रकार से सेवा कर रही थी तो इसने कहा कि भिक्षा नहीं, तो उसने तुरंत रेसिप्रोकेट नहीं किया क्योंकि वो अपनी सेवा में मग्न थी। तो ये बाहर चिल्लाने लगा, उसने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि इतना बड़ा सन्यासी आते हुए भी तुम उसकी पुकार को अनदेखा कर रही हो। तो उसकी अंदर से बोली, शांत बैठो, यहां ना तो कौवा है ना क्रेन है जो तुम्हारे बोलने से मर जाएगा। और अभी अभी वो पंछी को मारकर वो यहां पर आया। ये सोचने लगा, इसको कैसे पता, ये साधारण स्त्री अपने घर में कार्य कर रही है और ये इसे कैसे पता कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, वो मुझे छोड़कर किसी और को पता नहीं। तो उसने बहुत विनती की, मुझे बताओ क्या कैसे कैसे पता चला। तो उसने आकर कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि मुझे ये ज्ञान चाहिए। बोले, अगर तुम ज्ञान चाहते हो ना तो पास ही में मिथिला नगरी है, उस मिथिला नगरी में जाओ, वहां पर एक व्याध रहता है। तो ये कहता है, व्याध कौन है, वो क्या करते हैं? कहते हैं ये जो बूचर, वो क्या कहते, खटिक, कसाई, कसाई है वो, कसाई है। एक तो ये स्त्री जो आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत नहीं दिख रही है वो, और उधर जाकर कहे तो वो व्याध जो कसाई है उसके द्वारा वो मुझे ज्ञान देगा। तो बड़ा ही अहंकार का अहंकार तो आ भी रहा है और टूट भी रहा है, ऐसी विचित्र स्थिति में वो चला गया। मिथिला नगरी में गया तो देखा तो एक ऐसा ही दिखने में एकदम मोटू सा, थोड़ा सा वृद्ध हो चुका, अपने काम में मग्न है, भगवान का नाम लेना भी चालू है। तो ये जब उसके पास गया तो व्याध ने भी और एक बॉम्ब डाल लिया, बोले आओ, उस स्त्री ने तुम आपको सही जगह पर भेज दिया। और जब ये बात सुनी तो थोड़ा सा, जब बहुत बड़ा झटका लगता है ना तो थोड़ी नम्रता भी आ जाती है कभी कभी। तब वह संभाषण करने लगा और फिर व्यास जी उसे कुछ सिद्धांत बताते हैं। महाभारत में ये कथा का वर्णन आता है। तो व्यास जी उसे बताते हैं कि व्यक्ति का वैराग्य या फिर उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वह उसके बाहरी स्वरूप से नहीं दिखाई देती है, या फिर उसका कार्य, जो वह कार्य कर रहा है उस कार्य को करते हुए वह व्यक्ति कितनी गंभीरता से और कितनी गहराई से भगवान के प्रति अपनी शरणागति अर्पित करने का प्रयास कर रहा है यह भी हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते। हम नहीं समझ सकते कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कमा रहा है, वो कितना भगवान की भक्ति में रत होकर भगवान को अपने हृदय में आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा है, नहीं समझ सकते। या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत विशाल कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति भगवान की शरणागति में कितना गंभीरता से और गहराई से कृष्ण को अपने हृदय में आकृष्ट कर रहा है ये भी हम नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? वो जिन्हें भक्ति प्रिय है,
भक्ति प्रिय माधव व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। व्याध के पास बाहरी रूप से देखा जाए तो आचरण क्या था, क्या चल वो 5 बार स्नान कर रहा था, या फिर अभी अगर हम जाते हैं कुछ समय पहले ऐसे सोचा कि घर के बाहर ही सब्जी खरीदे, तो हमने सोचा कि नहीं एक बार जाधव मंडी जाकर देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठकर उतना दूर जाना, फिर शॉर्टकट निकाल लिया कि यहाँ पे मंडी जैसा होता है शाहगंज में। एक दिन सुबह वहां गए तो वहां पे सब्जी तरकारी सब था, और उसके साथ जो जो था ना वो बहुत भयंकर था। कितने जन गए हैं देखा है, सुगंध आती है तो वहां से आने के बाद सब्जी धोए ना धोए खुद को धो लिया है ना। तो हमें कभी कभी लगता है कि व्याध क्या कर रहा है, व्याध व्याध जी जो वहां पर बैठकर अपना कार्य कर रहे थे, वैसे बाहर रूप से अगर कोई देखा तो कोई भी नहीं कह सकता है कि ही इज सो एलिवेटेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ अचीविंग सुप्रीम लॉर्ड इन हिज लाइफ। तो बाहरी कार्य से व्याधस्याचरणम, व्याध का को आचरण आचरण क्या आचरण था कि जिससे हमें दिखाई देता कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। ध्रुवम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव का क्या वय था, आयु क्या थी, कोई सोच सकता है। तू तो अभी बच्चा है, भक्ति में भी हम थोड़े बड़े हो गए ना, 2-4 साल 8 साल 10 साल को लगता है ये तो बच्चा है अभी, इसको क्या पता। तो ध्रुव को तो सारा संसार कह सकता है ना, नारद मुनि भी कैसे, नारद मुनि ने कहा भी अभी तो तुम छोटे बच्चे हो। लेकिन जो तीव्रता जो जो दृढ़ता डिटर्मिनेशन किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति में है वो बाहरी रूप से हम नहीं समझ सकते। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव में क्या आयु की योग्यता थी, नहीं, एक छोटा सा बच्चा, पप्पा ने पप्पा की गोद में बैठना था उसे धिक्कार दिया, जैसे वनमाली प्रभु समझा रहे थे किस प्रकार से सुरुचि ने उसको बता दिया कि अगर तुम्हें यहां पर बैठना है तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुवस्य च वयो, लेकिन फिर भी चले गए, कुछ योग्यता होती है। चैतन्य चरण प्रभु जब इस व्याध पर विवेचन कर रहे थे तो किसी ने उन्हें प्रश्न पूछा कि मतलब अभी ये व्यवसाय भी हम शुरू कर सकते हैं तब चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं जो उदाहरण होते हैं उसमें से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम या भगवान की लीलाओं को ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है, मनोरंजन प्राप्त होता है, फिर भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त होता है और शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव की आयु पर्याप्त नहीं थी इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि वह इतनी विशाल मात्रा में भगवान को प्रसन्न कर सके। कुब्जायां किमु नाम रूप अधिकम, कुब्जा हंचबैक, वह इतनी दुर्लक्षित थी, हमें लगता है कि कुब्जा बहुत बार नाम सुना है ना, लेकिन उस समय इतनी अपरिचित थी, किसी व्यक्ति को अपरिचित करने का प्रयत्न अगर हम प्रयास करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इग्नोर कर कर। और मान लीजिए कोई अभी नशे होता तो आए मिलने के लिए और फिर अरे सॉरी आपका नाम क्या है मैं भूल गया, वो कितना कितना अपमानास्पद है ना कि उसका नाम किसी को पता है कुब्जा का नाम क्या है, कुब्जा का नाम किसी को पता नहीं है, उसके ऊपर पिछले 5,500 सालों से कथाएं हो रही है लेकिन उस स्त्री का नाम किसी को पता नहीं है। दो नामों से जानी जाती है, एक त्रिवक्रिका,
जो तीन जगह मुड़ी है, ऐसी नहीं श्यामम सुदन श्यामम त्रिभंग ललितम यदम प्रकाश, इस तरह से मुड़ी है कि वो हास्य का विषय है और इतना घृणित हास्य का विषय है कि उसका नाम भी कोई नहीं जानता। और दूसरा नाम है कुब्जा, क्यों? क्योंकि कुब्ज है, कुबड़ है, हचबैक है, तो इन दो नामों से कौन? वो कुबड़ी, कौन? वो कुबड़ी। तो जिसका नाम भी लोगों को पता नहीं, इतनी दुर्लक्षित है, और मथुरा के रास्ते पर बड़ा सुंदर प्रयोजन किया है, रंगोलियां निकाली हुई है, फूल बिछाए हुए हैं, और एक तरफ सारी स्त्रियां खड़ी है और उन स्त्रियों में यह कुब्जा भी खड़ी है हाथ में थाली लेकर, और इधर रस्ते की दूसरी ओर बड़ी भीड़ लगी हुई है, सारे मथुरा में हाहाकार है, सब तरफ चर्चा है कि वो नंद बाबा का बेटा आया है, कृष्ण आया, कृष्ण चल रहे हैं मथुरा के सड़कों पर। तो दूसरी रस्ते के दूसरी ओर सब खड़े इधर यहां से, और रस्ते अभी अपने 6 फुट 7 फुट 3 फुट इस 6 मीटर ऐसे रस्ते थे, विशाल रस्ते थे, इस छोर से उस छोर तक देख पाना, किसी व्यक्ति को पहचान पाना भी बहुत कठिन होता था। ऐसे स्थिति में कृष्ण अपने मित्रों के साथ बड़ी भीड़ में बलराम जी के साथ चल रहे हैं, और चलते चलते उधर देख रहे हैं, और जब दूसरी ओर कृष्ण ने देखा तो कुब्जा भले त्रिवक्र थी और हजबैक उससे कुबड़ था, लेकिन उसका चेहरा जो है, फेस है, चेहरा थोड़ा आकर्षक था, थोड़ा सुंदर था। तो कृष्ण ने ऐसे देखा और कृष्ण ये छोर से वो छोर चले गए, और कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, है ना, ये हमारे कॉलेज में एक बार वो फिश पॉन्ड होते हैं ना, तो एक बड़ा ही हट्टा कट्टा मोटा रेटिव मैथ्यू मुंबई का लड़का था, बहुत बड़ा था, उसके ऊपर फिश पॉन्ड डाला, और वो जो सिलेक्शन कमेटी रहता है, मैं उस कमेटी में था, तो मैडम ने कहा, हमारे एक मैडम थे, उस मैडम ने कहा कि इसको डिलीट कर दो, ये मत बोलो। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि पतले को पतला कहा तो अच्छा लगता है लेकिन मोटे को पतला कहा तो बहुत बुरा लगता है, और जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर कहा तो भी वो अपमानास्पद लगता है। तो कृष्ण यहां पर वो इस प्रकार से जिसको पूरी मथुरा में सब लोग घृणित समझते हैं, जाकर कह रहे हैं सुंदरी, तो वो कह रहे हैं कर लो तुम भी चेष्टा कर लो, तुम भी मजाक उड़ा दो। लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो मजाक नहीं है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण का जो शब्द है, कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य होता है, और जो अगर इस क्षण वर्तमान में सत्य नहीं है तो वो सत्य परिवर्तित होता है, सत्य में परिवर्तित होता है। और फिर कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उसने कहा कि ये अलग अलग लेप है जो मैं महाराज कंस के लिए लेकर जा रहा हूं। कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी मुझे दो ना, अभी अभी यहां आने से पहले कृष्ण ने 2-3 पराक्रम किए थे, वो धोबी धोबी के पास जाकर के कृष्ण ने मांगा था, जो कंस को जा रहा है ना वो मुझे दो, जो किसी और को जा रहा है वो मुझे दो। तो एक सुदामा नाम का फूल वाला था, उसने फूल कृष्ण को प्रदान किए, धोबी जो था उसने वस्त्र देने से मना कर दिया, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो वास्तविक रूप में भक्ति की प्रक्रिया यही है, जो कहीं और जा रहा है वो कृष्ण को दो, है ना। श्री प्रभुपाद जी अपने उदाहरणों से यही दिखाते हैं, वो बड़ा ही विख्यात प्रभुपाद जी का उदाहरण, एक वर्तमान पत्र में जो फोटो आया था एक साधु का, वैरागी का, फलगु वैराग्य कथ्य थे, इतना बड़ा धन और ऐसे करके मैं टच नहीं करूं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे सामने उससे बड़ा धन का राशि लगा,
और ऐसा फोटो निकाल। एक बार श्री प्रभुपाद जी बंबई में थे और बंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए थे और प्रभुपाद जी बैठे थे और उस समय किसी ने प्रभुपाद जी के पास कुछ पैसे लाकर दिए थे, कुछ गड्डियां थी, तो वो सामने बैठा हुआ है, प्रभुपाद उसके साथ संभाषण कर रहे हैं और एक तरफ प्रभुपाद नोट गिन रहे, प्रभुपाद नोट गिन रहे, तो उसका पूरा ध्यान प्रभुपाद जो बोल रहे उसके ऊपर नहीं रहा, ये स्वामी जी इतने बड़े स्वामी होकर पैसे गिन रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा है ही क्या ना, I possess nothing. इस संसार में जो भी कुछ है वो भगवान का है, लेकिन जैसा आचार्य कहते हैं कि वो सब भक्त ही कर सकते हैं कि वो जो भी है वो भगवान की सेवा में लगे, है ना। पाश्चात्य जगत में एक बड़ा मेंशन देखने के लिए प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आया और फिर अंदर में बहुत विस्तार की लीला है, अंदर जाकर फिर बाहर आ गए, बाहर आने के बाद वो मेंशन का सौदा पूर्ण हो गया और बाहर आने के बाद प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी का कुर्ता था, उन्होंने प्रभुपाद जी ने कुर्ते में हाथ डाला और ऐसे जो जेब थे ना वो ऐसे पूरे बाहर निकाले और प्रभुपाद जी ने कहा सी मैं अंदर गया तब भी मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, बाहर आया तब भी मेरे जेब में कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए इतना बड़ा प्रसाद बन चुका है। तो कुक्षा वहां पर कृष्ण ने उसे मांगा और उसने तुरंत अपने थरथराते हाथों से कृष्ण के मस्तिष्क पर लेप करने का प्रयास करने लगे और फिर आगे की लीला जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसके चरणों पर अपने पैर की एक उंगली रखी और उसकी हनुवटी को पकड़कर ऐसे एक झटका लिया, है ना। ऐसा एक झटका हमारे जीवन में चाहिए जो हमको सीधा कर दे। आचार्य कहते कुब्जा का नाम त्रिवक्रा था, वो तीन जगह में मुड़ी हुई थी, हम तो हजारों जगह पर मुड़े हुए हैं, दिखते स्ट्रेट है लेकिन मुड़े बहुत जगह है। तो कृष्ण ने कुब्जा का, तो कुब्जा के पास क्या, कुब्जायाम किमु नाम रूप अधिकम, क्या रूप था उसके पास, हजारों स्त्रियां थी, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी मथुरा के उस रस्ते के किनारे, लेकिन कृष्ण ने कुब्जा के मन की जो शरणागत भावना है उसे स्वीकार कर स्वीकार किया। कुब्जायाम किमु नाम रूप अधिकम किम तत् सुदाम नोधनम, सुदामा के पास क्या धन था, जब भगवान को मिलने के लिए आया और वो भी स्वयं नहीं आया, पत्नी ने भेजा जाओ इतना बड़ा मित्र है तुम्हारा और तुम ऐसे कफल लग कुछ नहीं है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया, भगवान ने क्या किया, सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, वास्तविक रूप में कुछ नहीं था। एक बार गौतम बुद्ध एक बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे और सारे बंदे उनके जो शिष्य हैं और जो भी लोग उनको मिलने के लिए आ रहे थे, तो जो कोई मिलने आ रहा था वो गौतम बुद्ध को भेंट दे रहा था, तो इतने में एक बहुत बड़ा राजा आया, वो आकर उसने बहुत विशाल मात्रा में धन गौतम बुद्ध को अर्पित कर दिया और उसके बाद एक बुढ़िया आई और जब वह बुढ़िया आई तो उसने अपनी झोली से गांठ खोली और एक सिक्का निकाला और वो गौतम बुद्ध को दे दिया। गौतम बुद्ध उस ऊंचे सिंहासन से उतर कर नीचे आए और उसके उस सिक्के को स्वीकार कर दिया। जब सब हो गया तो शिष्य ने पूछा कि आपको इतनी बड़ी बड़ी भेंटें मिली हैं लेकिन आप उसके पास इस प्रकार से, तब उन्होंने कहा कि उसके पास जो था व्हाटएवर शी हैड वो सब वही था, उसके पास जो था वो सब उसने अर्पित कर दिया। तो जो वैराग्य का वर्णन आचार्य और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं वह इसी प्रकार से है कि किस प्रकार से हम अपना
जो भी अपनी जो योग्यता है, अपना जो स्थिति है, अपना जो ऐश्वर्य है, वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो व्यास जी का कोई आचरण बाहरी रूप से नहीं दिखाई पड़ा, ना ध्रुव का वय आयु, ना कुब्जा का रूप यौवन, विद्या गजेंद्रस्य का, है ना, कभी कभी लोग जड़ बुद्धि के होते, तो ये जड़ बुद्धि है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये भक्ति नहीं कर सकता। और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं, क्योंकि बाकी कुछ नहीं कर सकते। एक बार दो मित्र 20-25 साल के बाद मिले, और मिलने के बाद दोनों का चर्चा चल रहा है कि क्या ऐसे मैंने ये किया, मेरे जीवन में ऐसा पड़ा, ये किया, वो किया, सब चर्चा होगी। बोले तेरे बेटे क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे ने ये किया, तेरे बेटे क्या कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति था, भारत में था, उसने कहा कि मेरे तीन बेटे हुए, एक बहुत बुद्धिमान बना, बहुत बुद्धिमान है, उसको डॉक्टर बनाया, दूसरा वो उससे भी इंटेलिजेंट निकला, इंजीनियर बना भी अब्रॉड है, बोले तीसरा थोड़ा कम बुद्धि का है, उसे पूजा पाठ में लगा दिया। तो वास्तव में किस प्रकार से लोग सोचते हैं, विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास क्या योग्य थी, गजेंद्र जो हाथी के राजा एक सरोवर में स्नान करने गए और मगरमच्छ ने उनके चरणों को पकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है हजारों वर्ष तक वह संघर्ष चलता रहा, छूटने का कोई आसार नहीं था। तब गजेंद्र जो पूर्ववर्ती जीवन में महाराज इंद्रदुम्न थे, उन्होंने उसी सरोवर से कहीं जाकर कुछ लाने का ना तो समय था ना स्थिति थी, उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा अपनी सुंड से और भगवान को अर्पित करने का प्रयास किया। और जब इस प्रकार से भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होकर प्रसन्न करने की इच्छा जागृत हुई, तो पिछले जन्म में जो प्रार्थनाएं सुनी थी उन प्रार्थनाओं का स्मरण होकर वह प्रार्थनाएं अर्पित करने लगी। ओम नमो भगवते तस्मै यतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु तमस्ना। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में बड़ा विस्तार से एक पूरा चैप्टर है गजेंद्र की प्रार्थनाएं, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गजेंद्र अर्पण की, जबकि वह इस योनि में थे जिस योनि का उदाहरण मंद बुद्धि के लिए दिया जाता है ना। लोग कहते हैं ना क्या हाथी जैसी बुद्धि है, विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी। फिर वर्णन आता है वंशः को विदुरस्य यादवते उग्रस्य किं पौरुषम्। वंशः को विदुरस्य, विदुर जी का कौन सा वंश था, है ना। कभी कभी वर्णन ऐसे ऐसे लगता है कि हमारी जो स्थिति है वह श्रेष्ठ है कि मैं अमका हूं, फलाना हूं, टिक्का हूं। विदुर जी उनका वह दासी, दासी के पुत्र के रूप में वो उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तब भोजन करने के लिए दुर्योधन का भोगन खायो रुखो शाक विदुर घर खाए। दुर्योधन का महल छोड़ दिया उस, ऐसा नहीं कि दुर्योधन वहां पर कुछ भगवान को द्वेष कर रहा था, या भले मन में द्वेष, लेकिन दुर्योधन ने इतना विशाल प्रयोजन किया था, बहुत बड़ा रसोई लगाया था भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो सब छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चले गए विदुर जी के घर। और विदुरानी उनको देखकर, कृष्ण हमारे घर पर आए, कृष्ण केले के छिलके छिल रही है, वो जो केले का अंदर गया वो नीचे और छिलका कृष्ण को खाने को दे, लेकिन कृष्ण खा रहे क्यों, भक्ति प्रिय माधव, भक्ति के लालयक है, भाव के भूखे हैं भगवान श्री कृष्ण। वंश विदुरस्य का, वंशः को विदुरस्य यादवपतेर उग्रस्य किं पौरुषम्।
और उग्रसेन, महाराज उग्रसेन है ना, अगर वो कहते हैं ना कि पौरुष होना चाहिए, बड़ा कुछ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े कारनामे करने चाहिए, और उग्रसेन जी क्या थे? उग्रसेन जी जिनको उनके ही पुत्र ने पराजित कर कारागार में बंदी बनकर बनाकर रख दिया था। तो बाहरी रूप से देखा जाए तो उनमें कोई पौरुष नहीं था कि जिसके प्रति लोग आकर्षित हो जाए। इस संसार में आकर्षण की कुछ चीजें हैं जिसे देखकर कोई व्यक्ति हमें आकर्षित लगने लगता है, लेकिन भगवान के आकर्षण के लिए वैसे बाहरी रूप से देखा जाए तो ना कुब्जा में आकर्षण था, ना सुदामा के पास धन था, ना उग्रसेन के पास, उग्रसेन जी के पास पौरुष था, लेकिन फिर भी जब कंस का वध किया तब भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी को मथुरा का राज सिंहासन प्रदान किया और खुद सेवक मंत्री के रूप में वहां पर उनकी सेवा करने लगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। और कभी कभी ऐसे होता है ना हमारे जीवन में कि कोई व्यक्ति है, ऐसे कभी कभी लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर एक व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया और उसी स्तर पर कोई दूसरा व्यक्ति है वो अगर हमें समझ ले तो हम कहते हैं थैंक गॉड आपने ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं हो, थैंक गॉड तुम तो मुझे समझ रहे हो। तो वास्तविक रूप में ना ये सिद्धांत कृष्ण पर लागू होता है, थैंक गॉड कृष्ण ऐसे नहीं है, है ना, कि कृष्ण हमारी बाहरी चीजों को जो सारा संसार देखने का प्रयास करता है उन चीजों को देखकर हमारे प्रति आकर्षित नहीं होते। कृष्ण आकर्षित होते हैं हमारी शरणागति, हमारी हमारे हृदय का आकर्षण उनके चरण कमलों के प्रति कितना है, इस तरह से देखकर। इस संसार में बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो हम वस्त्र कैसे पहनते हैं, हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हम रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं या महल में रहते हैं, इसके आधार पर सारे निर्णय होने लगते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं काशायन च भोजनादि नियमनो वावने वासतो व्याख्यानादथ वा मुनि व्रत भरा चित्तोदय क्षीयते। वो कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम वस्त्र कैसे पहन रहे हैं, काशान्न वस्त्र अर्थात जीर्ण हुए वस्त्र, मतलब बहुत बड़ा वैरागी है, वैराग्य का प्रतिपालन करने वाला है और एकदम अच्छा एलन सोली का या फिर दान हुसैन का शर्ट पहना, मतलब ये वैरागी नहीं है, ये भूटी है नहीं। काशायान्न फिर भोजनादि विनिमयो, कोई व्यक्ति है जो बहुत खा रहा है तो फिर वो भक्त नहीं है। हाँ उपदेशामृत में सिद्धांत आता है अत्याहार प्रयाशस्य, तो इसका ये तोड़ नहीं है कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट, लेकिन नहीं। या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत तपस्या कर रहा है खाने के विषय में, वो बहुत बड़ा तपस्वी है, भगवान के लिए ये आवश्यक नहीं है। फिर व्याख्यानादथ वा मुनिव्रत, या फिर कोई बोलने में बड़ा पटु है, बहुत सुंदर रूप से बोलता है, उसके बोलने से बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं, या कोई है जो कुछ बोल नहीं पाता, मुनिव्रत मौन व्रत धारण करके रहता है, किसी ने कुछ बोला तो ज्यादा कुछ बोलेगा ही नहीं, एक या दो वर्ड में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देगा। या फिर कोई वन में विनाश वा वने वासतो, कोई एकांत में वन में जाकर निवास कर रहा है, यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? रूप गोस्वामी कहते हैं किंतु स्फीत कलिंद्र शैल तनया तीरेषु विक्रीडितः
गोविंदस्य पदारविंद भजना आरंभस्य निषादपि। अवश्य क्या है कि जो कलिंदी तट पर, यमुना जी के तट पर क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके चरण कमलों के प्रति भजन करने की, श्री गोविंद जी के चरण कमलों के प्रति भजन करने की, उनके चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा है या नहीं है, इस पर आधारित है हमारे हृदय के अनर्थ दूर होने वाले हैं या नहीं होने वाले। बाहरी रूप से हम कितने भी कार्य क्यों ना करें, वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमें हमारे जीवन में ना वो कार्य अच्छे लगते हैं जो नोटिस होते हैं। भक्ति में भी वह कार्य करना बहुत अच्छा लगता है कि जो बाहरी रूप से दिखते हैं, जैसे मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मुकुंद बनाया है। सिर्फ एक कार्य है जिसका कोई ज्यादा वाह वाह करता नहीं है। हम होता है हमारे हमारे कार्य दिखते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन दिया दिखता है, बहुत अच्छा प्रचार किया दिखता है, बहुत अच्छा फंड कलेक्शन किया दिखता है, बहुत अच्छा मंदिर साफ किया दिखता है, बहुत अच्छा जप किया नहीं दिखता है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं 99% प्रोग्रेस ऑफ अवर डिवोशनल सर्विस, प्रोग्रेस ऑफ अवर डिवोशन टू कृष्णा डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। बहुत दृढ़ता से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करने की तीव्रता हमें आनी चाहिए, चाहे कोई देखे। आज तक हम से किस किस को कॉम्प्लीमेंट मिला है, रोजी आप क्या जप करते हो? कई बार तो हम जो जप करते हैं कोई देखता भी नहीं है, है ना? तो उसमें भी हमारी तीव्रता होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण भाव गए, क्या दिखाएंगे कृष्ण को, क्या भोग लगाएंगे कृष्ण को। राधा रानी अनादि काल से, है ना, जय गोस्वामी महाराज कहते हैं अनादि रानी गोविंद, लेकिन एक नहीं दो है ना, अनादि दो है, अनादि रानी दो है, कृष्ण और राधा। वो श्रीमती राधा रानी अनादि काल से कृष्ण के लिए व्यंजन बना रही है और आज तक उन्होंने एक व्यंजन रिपीट नहीं किया है। हमारा तो कभी कभी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो तीन भोग लगते हैं कृष्ण को, वो भी रिपीटेड रहते हैं, है ना। सुबह चावल बनाया थोड़ा सा, दोपहर में बनाया थोड़ा सा, शाम में बनाया, ज्यादा से ज्यादा हल्दी कम नमक ज्यादा, इस प्रकार की वैरायटी हमारी होती है। क्या कृष्ण को दे सकते हैं हमारे कार्यों, हम कृष्ण के लिए इतना सब कुछ करेंगे, कृष्ण का गुणगान करेंगे। अरे नारद मुनि अनादिकाल से लगे हुए हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, क्या दे सकते हैं हम कृष्ण को? एक ही चीज दे सकते हैं, हमारा हृदय, हमारे हृदय में स्थान कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धर्म प्राण। जब कृष्ण को हमारे हृदय में हम स्वीकार करेंगे, कृष्ण को हृदय में स्थान देंगे और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? कृष्ण की प्रसन्नता अगर हम हमारे कार्यों से, हमारी भावना से, हमारे विचारों से, हमारी वाचा से, हमारी कृति से, अगर हम हमारे गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, वैष्णव को प्रसन्न कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। ये छोटा सा लिटमस टेस्ट है, हाउ कृष्ण गेट्स प्लीज। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ये युक्त वैराग्य कहलाएगा। श्री प्रभुपाद जी अंत में इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है और वह भक्ति की उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित नहीं है, तो आवश्यक नहीं कि वह सही पथ पर चल रहा है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी इस सुंदर श्लोक के तात्पर्य का
अंत करते हैं एक वाक्य से, क्योंकि भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने यह भक्ति की प्रक्रिया हमको प्रदान की। और अंत में, क्योंकि प्रयोजन इस प्रकार से है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए एक व्यक्ति का कि जो व्यक्ति ने इतनी आर्त स्वरूप में आवाज लगाई भगवान श्री कृष्ण को कि वह आवाज इस भौतिक जगत के सारे आवरणों को छेदकर आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन पहुंच गई और कृष्ण को उस आवाज ने प्रेरित किया कि वो आ जाए, और वह है श्री अद्वैत ठाकुर, अद्वैताचार्य, जिनका कल जन्मदिन, कल ही था ना, परसों। तो अद्वैताचार्य भी अपने ही कृति के माध्यम से इस श्लोक का मूर्तिमंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण भावग्राही है, तुलसी तन मात्रेन जलस्य चुलकेन वा विक्रेते संख्यात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। कृष्ण भक्तवत्सल है, क्या चाहिए उनको, बेच देते अपने आप को। मूल्य क्या लेना पड़ेगा, केवल तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा, तुलसी का दल और जल, एक शालिग्राम शिला को तुलसी का दल अर्पित करते थे श्री अद्वैताचार्य और गंगा जी का जल अर्पित करते थे, और वो करते हुए आर्त प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इस भौतिक जगत के समस्त जीव पूरे अंधकार में लिप्त है, पूरी तरह से भयग्रस्त है, त्रस्त है, उनके उद्धार के लिए आपके बिना और कोई नहीं कर उनका उद्धार कर सकता, आप आओ। और यह अद्वैताचार्य की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हमें यह हरे कृष्ण आंदोलन प्रदान किया, जिसे हम तक पहुंचाया कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। तो हमारे आचार्यों के प्रति हमें कृतज्ञ होकर प्रार्थना करनी चाहिए और उनके प्रति अपनी सेवा और प्रार्थना तभी मूर्त होगी जब हम बड़ी गंभीरता से इस पद्धति को, इस भगवान श्री कृष्ण की आराधना पद्धति को, हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण को, वैष्णव सेवा को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, तो प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने के लिए, तो बहुत महान महान भक्त भी है। सोते समय हम यह विचार करें कि मैं एक कदम कृष्ण की ओर गया या फिर एक कदम कृष्ण से दूर गया, दो ही चीज हो सकता है। क्योंकि आचार्य भी समझाते हैं स्टैग्नेंसी नहीं रह सकती, मैं अभी ये भक्ति के ये स्तर पर पहुंच गया, अभी यही रहूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक तो ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे आएंगे। तो मैं कृष्ण की ओर जा रहा हूं या पीछे जा रहा हूं, तो इसका इसका जो प्रमाण है इसे हम कैसे जज करें। तो हमें जो सिद्धांत, हमें जो भक्ति के सिद्धांत आचार्यों ने दिए हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी ने अपने शिक्षाओं में दी है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स को अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम कृष्ण की ओर एक कदम जा रहे हैं, और अगर उन सिद्धांतों को पालन नहीं कर रहे हैं तो हम कृष्ण से एक कदम पीछे जा रहे हैं। मतलब अगर हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आज हमने पढ़ा, वी आर गोइंग वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्ण, और चेतन भगत की एक लव स्टोरी पढ़ी, वी आर गोइंग वन स्टेप
अवे फ्रॉम कृष्ण, मतलब ये ऐसे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना के स्तर पर हम कृष्ण भावना की ओर जा रहे हैं या कृष्ण भावना से दूर जा रहे हैं। दूसरा है प्रतिदिन, प्रतिदिन मुझे सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है या सेवा कर, सेवा से भागने का भागने में आनंद आ रहा है। और इसका क्लियर कट आंसर अगले श्लोक में, जब अगला श्रीमद् भागवत होगा तो तब होगा। उसमें कहते हैं धर्म स्वनिष्ठम पुंसा विश्वक्सेन कथा सुवर यह न उत्पादयते रति ही श्रमयेव हि केवलम्। अगर भक्ति करने में रति निर्माण नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति करने में प्रेम निर्माण नहीं हो रहा है, सेवा करने में आनंद की वृद्धि नहीं हो रही है, तो वी आर गोइंग वन स्टेप अवे फ्रॉम कृष्ण। और सेवा करने में जैसे फुल टाइम 99% है, 95% और फिर 100% जब आने की इच्छा हो रही है, तो वो दैट इज गोइंग वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्ण, एक कदम कृष्ण की ओर जा रहा है। और जो भक्ति के सिद्धांत आचार्य बताते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव मतलब क्या, पर दुख दुखी पर सुख सुखी ना, इस संसार में लोग उल्टे होते हैं, पर दुख सुखी उसको ऐसे हो बहुत अच्छा, मतलब बाहर से भले नहीं बोले लेकिन अंदर से बहुत आसान सुकून मिलता है, ये तड़प रहा है ना, इसको तकलीफ हो रही है। अगर इस प्रकार की चेतना हो रही है तो हम एक स्टेप कृष्ण से विमुख जा रहे हैं। और पर दुख दुखी, इस संसार के अन्य जीवों का दुख देखकर अगर मन में थोड़ी सी पीड़ा हो रही है तो कृष्ण एक कदम कृष्ण की ओर जा रहे हैं। अगर कोई भक्त है जो भक्ति में प्रगति करने में बहुत कष्ट कर रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, उसकी पीड़ा देखकर उसको मदद करने की इच्छा निर्माण हो रही है ताकि किसी प्रकार से वो और कृष्ण की ओर जाए, तो वी आर गोइंग वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्ण। और अगर कोई भक्त ध्यान मुझे क्या करने का, इस प्रकार से अगर भावना आ रहे तो हम एक कदम कृष्ण से विमुख जा रहे हैं। तो साधना में मैंने मेरा माला खत्म कर दिया, हो गया एक बार का, इस प्रकार की भावना आ रही है तो वी आर गोइंग वन स्टेप अवे फ्रॉम कृष्ण। लेकिन मुझे अधिक नाम स्मरण करने की इच्छा हो रही है, वी आर गोइंग वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्ण। कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा अधिक हो रही, कभी कभी वो होता है ना अति परिचय अवज्ञा, अति परिचय अवज्ञा से लोगों के साथ नहीं भगवान के साथ भी होता है। तो ये घर की है ना, रोज की इधर ही बैठे हुए, किधर नहीं जाने वाले। कई कई बार तो ऐसे होता है दिन में एक आध बार हम कृष्ण को देखते हैं, लेकिन जब प्रत्येक कार्य, सुबह उठ गए कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कृष्ण को नमन कर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं कृष्ण को नमन कर रहे हैं, आप एक कदम कृष्ण की ओर जा रहे हैं और ध्यान ही नहीं दे रहे, वी आर इग्नोरिंग द सर्विसेज टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड एंड द वैष्णवस, हम एक कदम कृष्ण से दूर जा रहे हैं। तो इसका एक ऐसा कुछ एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, लेकिन हमारी चेतना की वृद्धि के स्तर पर हम समझ सकते हैं और वो दो ही लोग समझेंगे। बढ़िया को निश्चित रूप से सोच सकते हैं कि सुबुद्धि राय बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं नहीं कर रहे दो जनों को पता है, तीन जनों को पता है, एक है कृष्णा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो हृदय में बैठे हुए हैं, एक स्वयं हमको पता है हमारी चेतना किस प्रकार की है। गौरांग प्रभु एक लेक्चर में कहते हैं व्हाट इज कैरेक्टर, गौरांग प्रभु कहते हैं कि कैरेक्टर मीन्स दैट थिंग विच यू डू व्हेन नोबडी सीज यू, जब हमें कोई नहीं देखता है तब हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, दैट इज अवर कैरेक्टर। तो हम जानते हैं, कृष्ण जानते हैं और गुरु भी जानते हैं। तो हमारी चेतना के वृद्धि के स्तर पर हम समझ सकते हैं कि हम एक कदम कृष्ण की ओर जा रहे हैं या एक कदम कृष्ण से पीछे जा रहे हैं। और कोई प्रश्न? और
दूसरे दिन ऐसा ही प्रसंग आता है तो हमारा रिएक्शन कुछ अलग है। तो ये हम कैसे समझ सके कि जो मेरे कल का रिएक्शन जो गलत था उसको मैंने जो लेसन लिया है वही रिएक्शन मेरे जीवन में फिर से ना हो, या मेरे गुरु और कृष्ण मुझसे जो चाहते हैं कि मेरा रिएक्शन वैसा हो वो हमेशा कैसे उस मोटिवेशन कैसे रहे, उस चेतना में कैसे रहे। जब वह जो ब्राह्मण सन्यासी है स्त्री के पास गया और स्त्री के पास जाने के बाद जब उसे वो सुनने को मिला तब वास्तविक नम्रता उसमें नहीं आई, उसमें वो अहंकार के साथ साथ क्रोध आ गया, ये कैसे जान सकती है राइट। फिर जब वो आगे चला गया व्याध के पास गया और जब व्याध के द्वारा भी उसने यह सुना, जब रियलिटी उसके सामने आ गई तब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जैसे आपने कहा कि कोई इंसिडेंस होता है उस समय हम जो रिएक्ट करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो पर्याय होते हैं कि उसको किस प्रकार से स्वीकार करें। एक तो हमारी प्रगति के लिए सुधार के रूप में, सुझाव के रूप में उसे स्वीकार कर हम आगे बढ़े, लेकिन जब हम इस प्रकार से करते हैं तब भी जो अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हैं ना उन अनर्थों के आधार पर हम सोचते हैं कि आई हैव इम्प्रूव्ड, मैं सुधर गया हूं, या फिर आई हैव इम्प्रूव्ड मैं सुधर गया हूं और मैंने मेरे इस अनर्थ पर विजय प्राप्त कर ली और मैं अवगुण को त्याग कर सद्गुण में स्थित हो गया। और जब इस प्रकार की भावना आती है अगली बार जब वो स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से वो अवगुण कहेगा तो इतना बड़ा है मैं दिखा रहा हूं, वो अवगुण फिर से आएगा। और जब इस प्रकार की स्थिति जब होती है, जब हमारा करेक्शन होता है या फिर हम जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं आपने जैसे कहा, उस समय अगर हम उसे जो हमें करेक्ट कर रहा है या फिर वो जो स्थिति है उससे भगवान की कृपा के रूप में जब स्वीकार करते हैं तब हमें वह बल मिलता है कि अगली बार जब वो स्थिति आए तो हम उस स्थिति को में वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दैट सिचुएशन, कि फिर से वो स्थिति में हम नीचे ना जाए। जब हम सोचते हैं कि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, आई एम द डूअर, जब आई एम द डूअर होता है तब समय तक भी छोड़ो भगवान वो अहंकार को चूर चूर करने में सक्षम है। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये मेरी योग्यता नहीं है लेकिन somehow ये वैष्णव या somehow गुरु के प्रतिनिधि या फिर एक साधारण सा वैष्णव उसने मुझे सहायता की, यह उसकी और भगवान की कृपा है कि मैं अपने आप में यहां इंप्रूवमेंट कर सका, जब इस नम्रता की भावना से उसको स्वीकार करेंगे तब चांसेस कम है कि हम फिर से उसी प्रकार की स्थिति में चले, क्योंकि जानते हैं कि वो है ही नहीं, दैट इज नॉट माय क्वालिफिकेशन, मेरी वो योग्यता नहीं है, यह भक्तों की अहेतु की कृपा है। इसलिए अच्छा श्लोक चला गया था। इसका लास्ट जो शब्द है श्री प्रभुपाद जी जो आज के तात्पर्य में आज का श्लोक जो है उसमें वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, वासुदेव भगवती किसके लिए हो रहा है, वासुदेव के लिए, और वो कौन है, वो भगवान है। मतलब पहले श्लोक से मेरा कुछ है ही नहीं, किसकी भक्ति है, कहीं पे ये नहीं आ रहा कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा और वैराग्य प्राप्त होगा, अरे है ही नहीं तुम्हारा कुछ, भक्ति भी तुम्हारी नहीं है, भक्ति कृष्ण की है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए, और वो जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो भक्ति है ना वो यह निर्माण करती है क्या, जनेषु आशु वैराग्य, जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च। अब हम सोचते हैं कि वाह मैंने भक्ति की और मैंने भक्ति करने के कारण मुझे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है, तो भागवतम ये मिथ भी हमारा तोड़ देते हैं लास्ट शब्द डालकर। क्यों डाला है आखिरी शब्द, यत अहेतुकम, बिना योग्यता के अहेतु की है, कोई योग्यता नहीं है, कोई कारण नहीं है,
ऐसे मत समझो कि औरंगाबाद में जो 17 लाख लोग है ना, उसमें से मैं बड़ा ही सुकृति किया हुआ व्यक्ति हूँ, जिसके कारण मैं मुझे इतना बड़ा आंदोलन का आश्रय मिला, मैं इतना बड़ा भक्त बन गया। नहीं, इट इज अहिंदी। आखिरी श्लोक इसी श्लोक का, जहां पर ज्ञान और वैराग्य की बात हुई, इसका ही आखिरी श्लोक, यद अहेतुकम्। राइट, तो कृष्ण कृपा प्राप्त करने से, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज सारे भक्तों से चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भक्ति में टिका रहता है या फिर आश्रम में रहते, हम विस्तार से अगर उसे समझने का प्रयास करें, तो कोई भक्ति में टिका रहता है, इसका कारण क्या है, किस आधार पर टिका रहेगा, हम भक्ति में कैसे टिके रहते हैं। किसी ने कहा साधना, किसी ने कहा भक्तों का संग, निश्चित रूप से ये सब साधन है। महाराज कहते हैं जस्ट बाय द विल ऑफ कृष्ण, केवल कृष्ण की इच्छा से। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है ना, तो बड़े से बड़े वैष्णवों का संग करने वाला भी एक दिन भक्ति छोड़कर जा सकता है। तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जपा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास, अगर हम सोचे कि मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, तो किसी भी क्षण, कोई भी क्षण, एक स्त्री को एक पुरुष के साथ देख लिया अजा मिलने, और उसके जीवन में उसने सारे सत्कृत्य छोड़कर उसके पीछे चला गया। उस समय तो वो दो थे, आज तो हर स्थान पर वही स्थिति है। तो अगर हम भक्ति में टिके हुए हैं, दैट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्ण, और वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर ये सब है, साधना करना है, सेवा करनी है, ग्रंथ अध्ययन करना है, वैष्णव की सेवा करनी है, ताकि वैष्णव प्रसन्न हो तो शिफा रस लगाएंगे, और वो दोनों हाथ खड़े करके है, खड़ी है शिफा रस करने के लिए। इफ वैष्णव प्रसन्न होगी तो निश्चित रूप से एक प्रसंग में अगर हम एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसका आधार है हाउ वी रेसिप्रोकेट, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, या फिर हाउ वी रिस्पॉन्ड, और फिर उसी प्रकार की स्थिति फिर से ना हो, ये डिपेंड करता है हमारे कर्ता भाव पर या फिर हमारी नम्रता। ठीक, वांट टू ऐड? हरे कृष्ण सुमित। अच्छा, हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। पंडित जी का जो प्रश्न है बहुत अच्छा, आपने उसका निरसन भी किया। एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर हमको आज जो लेसन लर्न किया है उसको फिर से हमें लर्न नहीं करना है, तो एक चीज हमको करनी होती है, मतलब नम्रता का जो शुरुआत है वो ग्रेटफुलनेस से आता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तो कभी हमको लगता है कि कोई परिस्थिति से या कोई व्यक्ति से हमको करेक्शन मिला है, तो शर्माना नहीं चाहिए, तुरंत ग्रेटफुल होना चाहिए, उसको थैंक यू कहना चाहिए, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, ये मेरे से गलती हो गया था, आपने इसको करेक्ट किया, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। बोलो, जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं ना, उसके बाद में हम अहंकारी होने के लिए चांस ही नहीं बचता। तो जब भी हमको कुछ लर्न करते हैं, भगवान से सीखने को मिलता है या भक्तों से सीखने को मिलता है, कोई परिस्थिति हमको सिखा देती है, तो एवरी टाइम दो ही चीजों में हम जाते हैं, या तो हम बहुत उसके प्रति कृतज्ञ होकर समर्पण कर देते हैं, या तो हम उसका कारण देकर ब्लेम करते हैं। तो जैसे ही हम ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, और जैसे ही हम कृतज्ञ होकर उसको ग्रेटफुल होते हैं, तुरंत एक्सप्रेस करते हैं, ग्रेटफुल मन में ही नहीं होना चाहिए कि हमको लगा कि उसने हाँ ही हैज करेक्टेड मी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, नहीं, बोल दो जाकर कि प्रभु जी आई एम ग्रेटफुल टू यू, माता जी आई एम ग्रेटफुल टू यू। अगर कुछ नहीं परिस्थिति है तो भगवान को जाके बोलो कि भगवान ये परिस्थिति निर्माण किया, आई एम ग्रेटफुल टू यू, जाके भगवान के सामने खड़ा होकर जब हम बोलेंगे कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, तो उसके बाद में भगवान को दोष देने की या भक्तों को दोष देने की या फिर से अहंकार होने का जो परिस्थिति है आती नहीं, क्योंकि पहले हमने ग्रेटफुल थैंक यू बोल दिया है, अभी थैंक यू बोलने के बाद में फिर से गलती करने का चांस है, बहुत कम बात है। महाराज में से उसकी ग्रेटफुलनेस
इज द सीड फॉर ह्यूमिलिटी। अगर नम्रता नहीं है तो ग्रेटफुलनेस आना चाहिए। जीवन में भक्ति के प्रश्न महाराज कहते हैं कि यू हैव टू लिस्ट आउट द पीपल एंड सिचुएशंस टू होम यू आर ग्रेटफुल टू, और रोज स्मरण करना चाहिए कि आज मैं किसको ग्रेटफुल हूँ और एक्सप्रेस कर देना चाहिए आई एम ग्रेटफुल टू। जब भी हम ये करते हैं तो अहंकार करने के चांस कम हो जाते हैं। आइसिंग ऑन द केक, प्रभु जी का उत्तर वैराग्य की परिसीमा कृतज्ञता है। थैंक यू प्रभु जी। सुमित भाई प्रभु का एक प्रश्न है कि चेतना की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, चेतना की वृद्धि वो एक्चुअली चेतना की शुद्धि से होगी, और चेतना की शुद्धि के लिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं को स्वीकार करना आवश्यक है, और साथ ही साथ हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, चेतना के शुद्धिकरण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। और एक और एक बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पर दुख दुखी इस भाव को समझकर सभी जनों के लिए, सभी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक नया उपक्रम औरंगाबाद शहर में शुरू होने जा रहा है। निमाई हॉस्पिटल के द्वारा एक 200 बेड्स का विशाल हॉस्पिटल निर्माण होने जा रहा है, तो उसका भूमि पूजन समारोह आने वाले नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, गीताई के जन्म के दिन निमाई के भूमि पूजन का प्रयोजन किया गया है, जिसका स्थान जालना रोड पर चिकलठाना गांव के एग्जैक्ट आगे एक YZ4 का शोरूम है, उसको लगकर जैसे चिकलठाना गांव हम छोड़ देंगे तो जालना रोड पर ही लेफ्ट हैंड साइड पर बाई ओर यह स्थान है। तो 25 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, उस दिन कन्हैया ठाकुर प्रभु के उपस्थिति में यह भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है, जिस दिन यज्ञ होगा, संकीर्तन होगा और सबके लिए प्रसाद होगा। तो नरसिंह नित्यानंद त्रयोदशी के दिन 25 तारीख को सुबह 8 बजे निमाई हॉस्पिटल के भूमि पूजन के उपलक्ष में आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, ताकि यह सभी की सेवा का कार्य ठीक तरह से भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर किया जाए। तो 25 तारीख को सुबह 8 बजे नित्यानंद त्रयोदशी के दिन सब लोग वहाँ नहीं मेरा प्रश्न 12 बजे तक फास्टिंग है, और 12 के बाद हम वहीं पर प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।